अस्सलाम वालेकुम, एएमबी न्यूज़ के साथ मैं हूँ सानिया गुल। खबरों के सिलसिले का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आज़म के खिलाफ जमा कराई गई तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, जिसके बाद इमरान खान अब वज़ीर आज़म नहीं रहे। स्पीकर असद कैसर के मुस्तफ़ी होने के बाद कायम मकाम स्पीकर अयाज सादिक ने तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग की कार्रवाई मुकम्मल की। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की सरबराही में सुबह 10:30 बजे तलब किया गया, जिसमें ओपोजिशन और हुकूमती अरकान ने तकरीरें की। ताहम रात 11:30 बजे तक अदम एतमाद पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी थी। सुबह 10 बजे से जारी इजलास में ड्रामाई मोड उस वक्त आया जब स्पीकर असद कैसर ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद 5वीं बार इजलास की मुख्तसर सदारत की और रात 11:30 बजे के करीब इस्तीफा देने का ऐलान किया। फिर उन्होंने अयाज सादिक से ऐवान की कार्रवाई जारी रखने की इस्तदा की। बाद अज़ां अदम एतमाद की वोटिंग पर कार्रवाई शुरू हुई, जिस पर अरकान ने बारी बारी वोट कास्ट किए। तहरीक अदम एतमाद की हिमायत में 174 वोट डाले गए, जिसके बाद इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं रहे, जबकि पीटीआई के मुनरिफ अरकान ने अदम एतमाद की कार्रवाई में वोट कास्ट नहीं किए। बर्मिंगम के मकामी होटल में यूरोपियन लिटरेरी सर्कल यूके के ज़ेर एहतमाम रद्द अमल किताब की तकरीब रुनमाई और महफिल मुशायरा की खूबसूरत शाम मुनाकिद हुई, जिसमें यूरोप और बरतानिया भर से उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ शोरा ख़वातीन हज़रात ने भरपूर शिरकत करके अपने कलाम सुनाकर शुरका को खूब महसूस किया। कोविड-19 की पाबंदियों के खात्मे के बाद महफिल मुशायरा की ये पहली खूबसूरत महफिल है, जिसमें यूरोपियन ममालिक और बरतानिया के नामवर शोरा ख़वातीन हज़रात ने मुश्तरका शिरकत करके अपने खूबसूरत कलाम से शुरका को महजूज किया और खूब दाद समेटी। बर्मिंगम के मकामी होटल में मारूफ सहाफ़ी दानश्वर राइटर और शायर इमरान साकिब चौधरी की लिखी गई रद्द अमल किताब की तकरीब रुनमाई मुनाकिद हुई। इसका अहतमाम यूरोपियन लिटरेरी सर्कल यूके के चैप्टर की डायरेक्टर डॉक्टर निगत इफ्तिहार ने किया। इमरान साकिब चौधरी की शायरी की किताब रद्द अमल की रुनमाई तकरीब में एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस ऑफ नॉर्थ यूरोप का ताउन भी शामिल था। तकरीब के पहले सेशन में किताब की रुनमाई की गई और दूसरे हिस्से में इंटरनेशनल मुशायरा हुआ, जिसकी सदारत मारूफ शायर बासिर सुल्तान काजमी ने की, जबकि दीगर शुरका डॉक्टर कैसर जैदी, सैयद इजाज सैफी, शगुफ्ता घीमी, राजा शफीक कयानी, सदफ मिर्जा, इमरान साकिब, डॉक्टर निगहत इफ्तिहार बर्मिंगम और दीगर ने अपने खुसूसी अंदाज में अपने कलाम के जरिए मुआशरे के कल्चर और रवायात का नक्शा खींचा, जबकि मुशायरे की नजामत के फराइज डॉक्टर निगहत इफ्तिहार ने ऐसे तरीके से सर अंजाम दिए। मिला था वो किसी शब के सुहाने मंजर में, ये वाकया भी मगर दास्तान सा लगता है। अश्क आंखों से ये कहकर निकला, ये तेरे जब्त की हद है, बेतहाशा हैं सितारे लेकिन चांद बस एक अदद है। वसूल उसने अदालत के सब बदल डाले, अमीरे शहर का जब इख्तिसाब करना था। खुद गरिमा में आई ना रखी है, जब भी मिली है खुलूस से मिली है। ख्वाब टूटा तो कुछ सुकून हुआ, सच तो यह है दहल गया था मैं। मंजिल की जस्तजू में तो उठ जाएंगे कदम, मजबूरियों की पाँव में जंजीर देखना। बूढ़े पेड़ों के पाँव में बैठा रहता हूँ, थक जाता हूँ तो छाँव में बैठा रहता हूँ। बरसों के गौरख धंधे को, वक्त के जालिम बंदे को इंसान समझ तो जाता है, पर देर बहुत हो जाती है। के दो चार शेर संजीदा भी सुना दे। संजीदा भी करो दीवार है बाकी, न मकान बाकी है, कुछ भी बाकी नहीं, अब सिर्फ घुमा बाकी। कोरोना के मौसम में चूंकि बैरूनी एक्टिविटीज ना होने के बराबर रह गई थी, हर जगह पे तो पाबंदियां थी, आने जाने पे भी, मिलने जुलने पे भी, तो घरों में बैठ के जो तख्लीकार लोग थे उन्होंने ये एक बहुत अच्छा इकदाम किया कि उन्होंने लिखा और जो काम तहरीरों फन से मरबूत थे और रह गए थे दीगर एक्टिविटीज़ की वजह से, वो लोगों ने घर में बैठ के ये सारे काम किए, अपनी किताबें मुकम्मल की। अभी आप देखेंगे कि बहुत जल्द बड़े प्रोग्राम ऐसे हुआ करेंगे कि जिनमें नई नई किताबें छपी हुई आएंगी, जो इन 2 सालों में लोगों ने घर में बैठ के काम किया। किताब को, उसकी ज़िंदगी को, उसको ज़िंदा रखना, उसके लिए इस किस्म के प्रोग्राम जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। किताब की ज़िंदगी भी उतनी ही अहम है
जितनी के डिजिटल नॉलेज की। टेक्नोलॉजी है वो इल्म में बड़ी तेजी से अजाफे का बायस बनती है। برطانیہ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کا خواہاں ہے۔ کنزرویٹو فرینڈز پاکستان اور کنزرویٹو فرینڈز کشمیر کی جانب سے برطانوی ایم پی ایس کے ذریعے مسئلہ کشمیر پر لابنگ اور برطانوی پارلیمنٹ کے کمیٹی روم میں بحث و مباحثے کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈڈلی اور کریڈلے ہیت سمیت گدونواہ کے علاقوں میں مقیم پاکستانی کمیونٹیز کو پاکستان جانے کے لیے ایمرجنسی ویزے کے مسئلے پر کونسلر جنرل پاکستان سے مختلف معاملات پر گفتگو ہوئی۔ ان خیالات کا اظہار ڈڈلی نارتھ سے ایم پی مارکو لونگی نے کونسلر جنرل پاکستان سردار عدنان رشید برمنگم کے ہمراہ ڈڈلی کے مقامی ہوٹل میں اوورسیز کمیونٹیز سے بات چیت اور ان کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کیا۔ ایم پی مارکو لونگی کا کہنا تھا کہ اس تقریب کا مقصد میرے کا انتخاب میں آباد اوورسیز کمیونٹی جس کا تعلق پاکستان اور آزاد کشمیر سے ہے، COVID-19 کی پابندیوں کے بعد پاکستان جانے کے لیے ایمرجنسی ویزا، نادرا کارڈ، پاور آف اٹارنی اور دیگر دستاویزات کے لیے میرے آفس آ کر ان مسائل پر گفتگو کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے کونسلر جنرل سردار عدنان رشید کو دعوت دی تاکہ کمیونٹی کے درمیان سوالات و جوابات کا سیشن ہو اور ایمرجنسی کی صورت میں آن لائن ویزے کا نظام ہونے کی وجہ سے براہ راست کونسلیٹ آفس میں آنے کے بجائے مسئلے کا مناسب حل تلاش کرنا تھا۔ مارکو لونگی کا کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر کے پائیدار اور دیرپا حل کے لیے کوششیں کی ہیں۔ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ برطانیہ بھارت سے تجارت مسئلہ کشمیر سے مشروط کرے۔ Today I have the enormous pleasure of welcoming the Consul General for Pakistan here in Dudley. Obviously I get a lot of inquiries through my office and as a British member of parliament I can solve quite a few problems for the local community. One of the problems I have not have the authority to solve is whenever a member of the Pakistani community needs an emergency visa, for example, to get back to Pakistan. And one of the things that we've seen through COVID, unfortunately, is opening the doors to the consulate to the people. And we've discussed options about how we can solve this problem of this emergency visa, even going through my office as a member of parliament. Part of my outreach with the community in broader area of my jurisdiction. I wanted to be here earlier, but I couldn't get the opportunity in time. Facilities we are offering and the services we offer, I would suggest all of those who want to avail our services to visit our website frequently. We have numbers over there, we have our email address, you can use that, you can get your urgent visa, your emergency visa after office hours over the weekends, and we are here to serve you. I look forward to working with you, and I'm sure that together we'll go a long way in serving our community. Hamari jo Pakistani community hai yahan jo in and around Dudley mein rehti hai, unke mostly jo wo travel problems hote hain yahan se jab wo Pakistan jate hain aur Pakistan ke andar bhi unke problem hote hain, to ye aaj badi achhi opportunity thi ki yahan ke local MP aur jo consulate general hai wo dono yahan maujood the aur unhone logon ki jo shikayat thi, jo complaints thi wo suni aur uska unko unhone apni yakeendani karayi ki hum ye jo aapke problems hain inko hum انشاءاللہ سارٹ آؤٹ کریں گے۔ اس طرح کی جو میٹنگز ہیں یہ آئندہ ہونی چاہیے تاکہ کمیونٹی کے جو پرابلم ہیں وہ سالو ہوتے رہیں اور آپس میں جو کنیکشن ہے وہ جاری رہے۔ جب تک یہ کنیکشن جاری رہے گا تو انشاءاللہ تعالی ہماری کمیونٹی بھی امپروو کرے گی اور کونسلیٹ والوں کو یہ موقع ملے گا وہ ہمارے اس طرح کے پرابلم سالو کرتے رہیں۔ کونٹری فلاورز کی جانب سے یوم پاکستان کی مناسبت سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کونسلر جنرل پاکستان سردار عدنان رشید مہمان خصوصی تھے۔ خواتین و حضرات سمیت بچوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ برمنگم کے ملحقہ شہر کوینٹری میں یوم پاکستان کی تقریب میں کثیر تعداد میں اوورسیز کمیونٹی نے جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو کر شرکت کی۔ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں نے شرکت کی، بالخصوص خواتین اور بچوں کی۔ پاکستان کے حوالے سے تقریر اور جذبہ دیکھ کر محفل میں موجود ہر ایک شخص داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ آرگنائزر وقار ملک، چودھری اللہ دتا، خاجی مبارک، کونسلر کمران، رانا نوید، کونسلر آصف خان اور دیگر نے ایسا پروگرام ترتیب دیا کہ وطن کی یادیں تازہ ہو گئی۔ پی آئی اے کی نہ صرف خصوصی نمائندگی تھی بلکہ مختلف شعبہ زندگی میں بہترین کارکردگی کی حامل شخصیات کو ایوارڈ بھی سپانسر کیے۔ اس موقع پر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اس طرح کی تقریبات کا مقصد نئی نسل کو وطن کے ساتھ جوڑے رکھنے کا سبب بنتی ہیں۔
बड़ी खुशी हुई है आज कोवेंट्री आके और यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में हमारे पाकिस्तानी बहन भाई और बच्चे मौजूद हैं और जो योम पाकिस्तान को भरपूर तरीके से मना रहे हैं। ऐसी तकारीब होनी चाहिए, जगह जगह होनी चाहिए और हमें अपने बच्चों को स्पेशली और यंग जनरेशन को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। मुझे खुशी है कि कोवेंट्री में ऐसे लोग मौजूद हैं और ऐसे जिनके अंदर ये चीज़ जो इस बात को की कदर जानते हैं, अहमियत जानते हैं और इस तरह के प्रोग्राम अरेंज करते हैं। मैं चाहूँगा कि आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम होते रहें जिसमें हमें मिल बैठने का मौका मिले, हम पाकिस्तान के बारे में जान सकें, अपनी खुशियाँ बांट सकें। इसका बेसिक मकसद यही था कि यंग जनरेशन को जो इन्वॉल्व किया जाए इस फंक्शन में और उनको पाकिस्तान की अहमियत से रोशनास कराया जाए और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में भी हम इस तरह के प्रोग्राम अरेंज करते रहेंगे। जितने भी बच्चे थे उन्होंने पाकिस्तान से अपने लगाव का इजहार किया है, बल्कि ऐसी तकारीब जो है उनके दिलों में अपनी धरती की मोहब्बत पैदा करती है और ये वो मोहब्बत है जिसको सामने रखते हुए वो पाकिस्तान जाने के लिए अपने प्लान तरतीब देते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बच्चों को देखता हूँ जो कि ऐसी तकारीब में शिरकत करके वो अपने वालदैन को मजबूर करते हैं कि हमें पाकिस्तान जाना। इंशाल्लाह इसी तरह कोशिश करें कि नई जनरेशन को हम दावत दें और आएँ, उनको अपने पाकिस्तान के बारे में आगाह करें कि क्या है 23 मार्च, 14 अगस्त और इसी तरह पाकिस्तान के बारे में हम मालूमात देते रहें ताकि वो बच्चे आएँ, उनकी हौसला अफजाई हो। हमें ये सबक मिलता है कि हम अपने असलाफ की कुर्बानियों को याद करें और उन्हें ज़िंदगी भर में फरामोश नहीं कर सकते, जिनकी बदौलत जिनकी काविशों से जदोजहद से हमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मिला। हम दुआ करते हैं पाकिस्तान की तरक्की, सालमियत और इस्तकाम के लिए। As a British Pakistani, it's very special to represent and speak about our roots. I think Pakistan is very close to our hearts. I think we should continue to celebrate, especially on 23rd of March. We know the sacrifices our forefathers made for a safe and secure country. So may Allah bless them and may Allah give us the opportunity to continue to celebrate this fantastic Pakistan Day. इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना है।